In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. Today I am talking about subject of BS Anesthesia. Anesthesia, kya cheez hai, itne subjects kitne hain? मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, चंद एक मुख्तसर अल्फाज बता दूं कि बी एस एनेस्थीसिया क्या चीज़ है। बी एस एनेस्थीसिया दरअसल माहिर बेहोशी, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जब सर्जरी का काम परफॉर्म सर्जन करते हैं, इसके साथ उनके साथ एक सर्जन जो है सर्जन के साथ एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जरूर मौजूद होता है जो कि माहिर बेहोशी का काम करता है। इसी के साथ साथ बी एस एनेस्थीसिया के ऊपर मेरी मुख्तलिफ वीडियोस आप देख सकते हैं। मेन चीज़ आज हमें देखनी है कि इसके अंदर कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आर्ट सेमेस्टर में होते हैं, चार साल का ये ड्यूरेशन होता है। आर्ट सेमेस्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, आपके सामने मेरे पास एक फाइल मौजूद है जो कि मैंने इसको राइट किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आपको सबसे पहले एक इंग्लिश जो है पढ़ाई जाती है। इंग्लिश तो कोई भी आप प्रोग्राम करते हैं, आप साइकोलॉजी करते हैं, एमआईटी करते हैं, एमएलएस करते हैं, एनएस जो भी करते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसी के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग पढ़ाई जाती है, इसके साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसी के साथ साथ आपको बायोकेमिस्ट्री वन पढ़ाई जाती है। ये है जी सेमेस्टर वन के सब्जेक्ट्स। अब सेमेस्टर टू में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो भी सारे फरिश्ते हैं, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री टू पढ़ाई जाती है, आपको जनरल पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, एडवांस फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसी के साथ साथ आपको पार्क स्टडी और इंग्लिश टू पढ़ाई जाती है। अब थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो हमें चीज़ें ऑफर की जाती हैं वो है जी इसके अंदर सिस्टेमिक पैथोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी ये जनरल एनाटॉमी होती है, नो कि आपको किसी आई की एनाटॉमी या कोई एक खास एनाटॉमी, आपको पूरी जनरल एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल ऑफ एमरजेंसी मेडिकल केयर पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ आपको टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, यू नो कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन स्किल्स एक बहुत बड़ी बात होती है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सिखाई जाती है। अब अगर नेक्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए, सेमेस्टर फोर दूसरे साल का इख्तिताम और सेमेस्टर फोर के अंदर जो आपको सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, उस सेमेस्टर्स के अंदर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाएगी दोबारा, उसके साथ आपको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, इसके साथ साथ आपको एडवांस एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, इसके साथ साथ आपको हीमाटोलॉजी, इसके साथ साथ आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड लास्ट के अंदर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है जी एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपको जो है चार सेमेस्टर मैंने बताए हैं। अब पाँचवें सेमेस्टर की तरफ चलते हैं, पाँचवें सेमेस्टर में आपको कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, चलते हैं आपने पाँचवें सेमेस्टर की जानी। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपको जनरल सर्जरी पढ़ाई जाती है, लेकिन याद रहे कि आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, परफॉर्म करना सर्जन का काम है। आप कौन है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, माहिर बेहोशी। ठीक है जी, तो बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, बायोस्टैटिक्स, एनेस्थीसिया एंड को एक्साइटिंग डिजीजेस, ये हैं जी सेमेस्टर फाइव के सब्जेक्ट्स। सेमेस्टर सिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं बात करते हैं। इसके अंदर आपको जो पढ़ाया जाता है वो है जी केयर एंड मेडिटेशन, उसके बाद बेसिक नर्सिंग स्किल, इसके साथ साथ बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस जो एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ आपको एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन एंड देयर मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया फॉर कार्डियोलॉजी सर्जरी, उसके साथ साथ आपको रिसर्च मेथडोलॉजी एंड आपको लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। याद रखिए जितने भी सेमेस्टर गुजरे हैं अंदर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा जो कि आपको ग्रूम ग्रूम करने से मिला, जिनकी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये भी एक आपकी ग्रूमिंग का सब्जेक्ट है। तो ये बात आपके माइंड में रहे कि आप मेडिकल पढ़ने के साथ साथ आपको सोशली भी एक्टिव ये यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। तो ये जो मैं अब सेमेस्टर आपको बता रहा हूँ, अब आते हैं सेवन्थ सेमेस्टर की जानब। सेवन्थ सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ते हैं, सेवन्थ सेमेस्टर की जानब हम जाते हैं। इसके अंदर आपको मेडिकल एथिक्स, यू नो हर चीज़ के एथिक्स होते हैं, इसी तरह मेडिकल के भी कुछ एथिक्स हैं, मेडिकल एथिक्स एक सब्जेक्ट है ये पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ आपको एनेस्थीसिया ऑफ न्यूरो एमरजेंसी एंड सर्जरी, इसके साथ साथ आपको थर्ड सब्जेक्ट है वो है जी एनेस्थीसिया ऑफ सर्जरी, उसके साथ साथ आपको यूरोलॉजिक प्रोसीजर एंड उसके बाद आपको फोर्थ के ऊपर एनेस्थीसिया फॉर आई सर्जिकल प्रोसीजर एंड एनेस्थीसिया फॉर ईएनटी सर्जरी, उसके बाद आपको एनेस्थीसिया फॉर पेडियाट्रिक सर्जरी पढ़ाई जाती है। ये है जी सब्जेक्ट इसके सेवन्थ सेमेस्टर के। अब एट्थ सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर जो है आखिरी सेमेस्टर है, एग्जाम होने वाला है ये इनकी आपकी ये डिग्री का। अब एट सेमेस्टर में जो आप चीज़ें पढ़ते हैं वो है जी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि आपको उसमें थोड़ी प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा रिसर्च प्रोजेक्ट। अब याद रहे कि रिसर्च प्रोजेक्ट आप साइकोलॉजी करते हैं, एमआईटी करते हैं, एमएलएस करते हैं,
ओटी करते हैं, बीएस ओटी कोई भी आप करें, आपको एंड के ऊपर एक प्रोजेक्ट मिलता है कि आपने रिसर्च बेसिक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है। इसी तरह इसमें भी आपको एक रिसर्च बेसिक जो है प्रोजेक्ट मिलेगा, ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करता है कि आपने इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपको मिलती है वो है जी एपिडेमियोलॉजी, उसके साथ साथ आपको एनेस्थीसिया फॉर डेंटल मैक्सियल हेड एंड नेक सर्जरी के बारे में बताया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये है जी तमाम तरह वो क्राइटेरिया जो कि आठ सेमेस्टर यानी कि चार साल फॉर एनेस्थीसिया बीएस एनेस्थीसिया के अंदर आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये वो तमाम तरह चीज़ें हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में दीजिए इजाज़त, मा अलैना इल्ल बलबुल मुबीन, थैंक यू।